नमस्कार दोस्तों, स्ट्रेंजर क्यूब 40M गिटार एम्पलीफायर, इसके बारे में चलिए बात करते हैं। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है कि आप देखिए ये किस काम पे आते हैं वो पहले बात कर लेते हैं। ये एक एक्चुअली मॉनिटर है जो कि आपकी एम्पलीफायर कॉम स्पीकर इसमें है, जो कि हम जैसे बोलते हैं कि आपकी एक्टिव मॉनिटर टाइप के ये एक है। डायरेक्ट इसमें आपको सिग्नल देना होता है और वो डायरेक्ट आपकी एम्पलीफाई करके बजाता है। तो देखते हैं इसमें किसमें यूज होता है ज़्यादातर। ये आपको देखिए गिटार कीबोर्ड में, जो गिटार प्लेयर होते हैं, जो कीबोर्ड प्लेयर होते हैं, वो ऑन स्टेज, इसको ऑन स्टेज मॉनिटर भी बोला जाता है। ऑन स्टेज वो अपने आवाज़ सुनने के लिए, मॉनिटर करने के लिए इसको यूज करते हैं। कीबोर्ड प्लेयर, गिटार प्लेयर, इसको बहुत ही यूज करते हैं वो, इस गिटार एम्पलीफायर को। मोस्टली गिटार एम्पलीफायर जो गिटार वाले होते हैं बहुत यूज करते हैं, कीबोर्ड वाले भी अपना रेफरेंस के लिए इसको भी यूज करते हैं। इसमें देखिए Q40 में क्या क्या है, बैक साइड हम डायरेक्ट स्ट्रेंजर का देख रहे हैं। माइक भी इसमें लग सकता है और लाइन आउट भी यहाँ से आप निकाल के यूज कर सकते हैं दूसरे कहाँ पे। दो फ्यूज है, पावर कॉर्ड है, आप देख सकते हैं बैक साइड पूरा ऐसा है। अब देखेंगे इसकी टॉप साइड में क्या है, अब देखेंगे टॉप साइड में क्या है। यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ाने के लिए नॉब है, उसका बेस बढ़ा सकते हैं, मिड, ट्रिबल। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे बास, मिड, ट्रिबल, तो ये एक तरह से छोटा सा यहाँ पे आपकी इक्यू सेक्शन भी दिया गया है, एक मिक्सर के इक्यू सेक्शन। रिवर्ब भी है, माइक है, टोन है, तो पावर ऑन भी है। तो देखिए ये सारा चीज यहाँ पे आपकी, एक छोटा सा मिनी मिक्सर भी ऊपर एक तरह से आप बोल सकते हो यहाँ पे है। और दूसरी बात है कि इसमें 1 एम्पियर, 3 एम्पियर का दो फ्यूज यहाँ पे लगा है, ऑन ऑफ स्विच है पीछे। अब फ्रंट साइड तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रिल लगी हुई है। तो इसकी कीमत करीबन 8,000 आता है। तो जो लोग स्टेज पे गिटार बजाते हैं, कीबोर्ड बजाते हैं, उनके लिए ये मॉनिटर का काम आता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर कुछ प्रश्न बच गया है तो जरूर पूछ लें।